नमस्ते, मैं अंकिता पाटिल। AIM न्यूज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गांधी घोड़से एक युद्ध फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। कुछ दिन पहले जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी, तभी से दर्शक इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस फिल्म में कौन किसकी भूमिका निभाएगा। तो आइए जानते हैं, राजकुमार संतोषी निर्देशित गांधी घोड़से एक युद्ध पीरियड फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। पोस्टर में महात्मा गांधी जी और नाथूराम घोड़से जी के बीच के वैचारिक युद्ध को दिखाया गया है। यह फिल्म महात्मा गांधी जी और नाथूराम घोड़से के बीच वैचारिक मतभेद के कहानी का आधार बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाने वाला है। इस पोस्टर में कई ऐसे डायलॉग्स है जो आपको महात्मा गांधी जी और नाथूराम घोड़से के विचारधारों को रूबरू करवाने के लिए काफी है। गांधी घोड़से युद्ध फिल्म में दीपक अंतानी जी महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाएंगे और चिन्मय मांडलेकर जी नाथूराम घोड़से की भूमिका निभाएंगे। जाने माने निर्देशक राजकुमार संतोषी जी ने 9 साल बाद वो बड़े पर्दे पर इस फिल्म से वापसी कर रहे हैं जो दर्शकों का ध्यान खींच रही है। उनकी आखिरी फिल्म बॉलीवुड की फटा पोस्टर निकला हीरो थी। उसके बाद गांधी घोड़से एक युद्ध पीरियड फिल्म लेकर वो दर्शकों के सामने फिर से आ गए हैं। फिल्म में AR रहमान ने म्यूजिक दिया है। गांधी घोड़से एक युद्ध फिल्म 26 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और ये मोशन पोस्टर देखे गांधी घोड़से एक युद्ध फिल्म की उत्सुकता भी बढ़ गई है। तो आप सभी गांधी घोड़से एक युद्ध फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।